नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएँ कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है, 100 कंपनियाँ एक ही दिवस लेगी 7,500 युवाओं को नौकरी। राजकीय IIT अलीगंज में 12 को बृहद रोजगार मेला। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है, सेवा योजना विभाग, कौशल विभाग, मिशन और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से 12 दिसंबर को अलीगंज में एक विशाल रोजगार मेले की आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सा लेकर के अच्छी से अच्छी जॉब पा सकते हैं। वहीं KVS में आवेदन की भी सूचना आज के समाचार पत्रों में है। 13,404 पदों को लेकर के यह वैकेंसी कंप्लीट होने जा रही है। प्रिंसिपल, PGT, TGT और प्राइमरी, इस तरह के पदों को इसमें भरा जाएगा। चयन की जो प्रक्रिया है उसमें चयन मुख्य परीक्षा, क्लास डेमो, स्किल टेस्ट, CBT साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु TA DA दे नहीं होगा और वेतनमान अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। जो आधिकारिक वेबसाइट है www.kvssangathan.nic.in है। तो आप सभी जो भी उचित योग्यता रखते हैं उसके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब है और इसमें सैलरी आदि भी बहुत अच्छी मिलती है। एदत अनुसार सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विभिन्न विभागों में संबंधित विभाग पदों के लिए साक्षात्कार आमंत्रित कर रहा है। गृह पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश सहायक रेडियो अधिकारी की 19 से 20 दिसंबर 2022 को आप देखेंगे साक्षात्कार है। वहीं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में 19-20 को दिसंबर 2022 को साक्षात्कार निर्धारित किया गया है। इस तरह से आप जो है अपने अपने साक्षात्कार जो भी इसमें फॉर्म भरे हैं वह तय समय पर जो है दे करके इसमें आगे की प्रक्रिया अपना सकते हैं। वही दिया है, PCS 2022 में से 2 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस लिए, जिनका कि अंतिम चयन 2021 में हो चुका है। तो यह अच्छी खबर है, अगर ऐसे सारे अभ्यर्थी अपने वापस कर लें अभ्यर्थन जिन्होंने कि अंतिम चयन कहीं ना कहीं ले लिया है, तो उससे अच्छी बात ये होगी कि अदर अभ्यर्थियों को मौका मिल पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के चयन के बाद बेरोजगारी का जो समस्या है वह कहीं ना कहीं समाप्त हो पाएगा। वहीं आगे जो दिया है, APS के चयनित लोगों की स्थायीकरण प्रक्रिया का विरोध। APS भर्ती घोटाले में CBI की ओर से दर्ज किया हुआ चुका है मुकदमा। लक्ष्य निर्धारण में भारतीय मूल्यों पर समावेश जरूरी। वहीं दिया है, APS की जो भर्ती हुई थी 2010 में, उसमें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने की धांधली करके, घोटाला करके वहाँ तक पहुँच अपनी बना ली थी। अब इसमें जो है स्थायीकरण की जो प्रक्रिया है वह अब जाकर के शुरू हुई है, जिसका कि छात्र विरोध कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय रेलवे प्रबंध सेवा में भर्ती अगले साल से UPSC द्वारा होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि UPSC अब जो है इसमें परीक्षा कराएगा। इसमें एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, जिसके बाद एक मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा। सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए सिविल से प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होना होगा और सफल उम्मीदवारों को IRMS परीक्षा के, जो कि मुख्य परीक्षा होगी, स्क्रीन परीक्षा ली जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु सीमा और प्रयासों की संख्या सिविल सेवा के परीक्षा के समान ही निश्चित होंगे। इसमें दिया है, मुख्य परीक्षा में पारंपरिक विषय निबंध के 4 पेपर शामिल होंगे। क्वालिफाइंग पेपर और अन्य भी इसमें जो है दिया गया है। विषय के पाठ्यक्रम सिविल सेवा परीक्षा से समान ही होंगे। 2023 के लिए UPSC की परीक्षा के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा 2023 को क्रमशः 1-2-2023 और 28-5-2023 को अधिसूचित और आयोजित किया जाना निर्धारित है। चूँकि PCS परीक्षा 2023 का उपयोग IRMS मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीन के लिए किया जाएगा, IRMS परीक्षा 2023 से उसी कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना जारी की जाएगी। तो यह एक बहुत बड़ी सूचना है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए कि अब जो है रेलवे नई बदलाव ला रहा है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।